सो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्रेन संख्या 12597 गोरखपुर मुंबई अंत्योदय एक्सप्रेस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि गाड़ी की चलने की टाइमिंग क्या है, गाड़ी कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है और किस क्लास में आप टिकट लेते हैं तो कितना किराया लगेगा, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। दोस्तों एक हमारे दर्शक हैं और उन्होंने कमेंट्स किया था कि आप ट्रेन संख्या 12597 के ऊपर वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने इस गाड़ी को कवर किया है। अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस गाड़ी की डिटेल्स की हम बात करें तो ट्रेन संख्या 12597 अंत्योदय एक्सप्रेस ये ट्रेन अपने रूट की एक एवरेज गाड़ी है और खास बात यह है कि ये ट्रेन पूरी तरह से जनरल है, यानी पूरी तरह से चालू है। गोरखपुर से लेके गोंडा लखनऊ तक के यात्रियों को ये ट्रेन कवर करती है और ये ट्रेन साप्ताहिक गाड़ी है, सप्ताह में केवल एक दिन चलाई जाती है जो कि बुधवार को ये ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से प्लेटफॉर्म संख्या 9 से रवाना की जाती है। दोस्तों इस ट्रेन को जो इंजन ऑपरेट करता है वो KYNWAP7 होता है और इस ट्रेन में LBH कोच की सुविधा दी जाती है। गाड़ी में दोस्तों अगर कोच की हम बात करें तो टोटल 22 कोच दिए जाते हैं, जिनमें पूरी तरह से डब्बे चालू के लगाए जाते हैं, जनरल के लगाए जाते हैं। इस ट्रेन में अगर कोटा की हम बात करें तो सभी प्रकार का कोटा लमसम उपलब्ध है, आप जिस कोटे के तहत टिकट लेना चाहते हैं टिकट ले सकते हैं और गाड़ी में पैंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती है। इस ट्रेन में दोस्तों अगर किराया की हम बात करें तो आप गोरखपुर से मुंबई तक का टिकट लेते हैं इस ट्रेन में जनरल में तो आपको 420 रुपए के आसपास किराया आने वाला है। ये किराया फिक्स नहीं है दोस्तों, कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक एवरेज के हिसाब से ये किराया 420 रुपए के आसपास होना चाहिए। दोस्तों इस गाड़ी की टाइमिंग की हम बात करें तो ये ट्रेन बुधवार को सुबह 8:30 पे ये ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 9 से गोरखपुर जंक्शन से रवाना की जाती है और अपने सफर को तय करते हुए ये ट्रेन 12:20 पे आपको मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचा देती है। सफर के दौरान दोस्तों ये ट्रेन टोटल 1693 किलोमीटर की दूरी 27:50 में तय कर लेती है और इस गाड़ी की अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये ट्रेन तकरीबन 61 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलाई जाती है। दोस्तों ये ट्रेन सफर के दौरान टोटल 14 स्टेशनों पर ठहराव लेती है, जिसमें गोरखपुर और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शामिल है। तो दोस्तों इस ट्रेन के जो स्टॉप दिए जाते हैं उन सभी स्टेशनों की जानकारी मैं आपको टाइम के साथ में देने वाला हूं, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन के स्टॉप की डिटेल्स को। सो दोस्तों ट्रेन संख्या 12597 ये ट्रेन अपने गोरखपुर निर्धारित समय 8:30 पे प्लेटफॉर्म संख्या 9 से रवाना की जाती है। यहाँ से निकलने के बाद इस ट्रेन का 2 नंबर स्टॉप दिया जाता है खलीलाबाद। गाड़ी 9:08 पे पहुंचती है और ट्रेन यहाँ पे केवल 2 मिनट ठहराव लेती है खलीलाबाद में। जब ये ट्रेन खलीलाबाद से रवाना की जाती है तो कुछ 26 मिनट रनिंग करने के बाद इस ट्रेन का बस्ती स्टेशन आ जाता है और ट्रेन यहाँ पे 9:36 पे पहुंचती है और 9:39 पे यहाँ से रवाना हो जाती है ये ट्रेन 3 मिनट ठहराव लेने के बाद। बस्ती के बाद इस ट्रेन का अगला स्टेशन दिया जाता है गोंडा जंक्शन, जो कि 4 नंबर स्टॉप होता है। ट्रेन 11:00 यहाँ पे पहुंचती है और गाड़ी यहाँ पे 5 मिनट ठहराव लेने के बाद अपने सफर के लिए निकल जाती है। तो बस्ती के बाद दोस्तों इस ट्रेन के लंबे लंबे स्टॉप आने शुरू हो जाते हैं। जब बस्ती से ट्रेन गोंडा के लिए निकलती है तो 1:21 की दूरी तय करती है और गोंडा से जब ये ट्रेन रवाना होती है तो पहुंचती है लखनऊ 4 बाग और गाड़ी 1:25 पे पहुंचती है। 2:20 कंटिन्यू रनिंग करती है ये गाड़ी गोंडा से लखनऊ के बीच में। गाड़ी यहाँ पे 10 मिनट ठहराव लेती है, प्लेटफॉर्म संख्या 6 पे लगाई जाती है और फिर ये ट्रेन जब यहाँ से रवाना की जाती है तो पहुंचती है कानपुर सेंट्रल। दिन में 3:05 पे गाड़ी लखनऊ से कानपुर सेंट्रल की दूरी तय करने में 1:30 की समय लेती है, जो कि 72 किलोमीटर की दूरी होती है और गाड़ी यहाँ पे केवल 5 मिनट की रुकती है कानपुर सेंट्रल में। कानपुर सेंट्रल से जब रवाना की जाती है गाड़ी तो इसका अगला स्टेशन आता है उरई। बीच में 17 स्टॉप आते हैं लेकिन ये ट्रेन ठहराव नहीं लेती है और गाड़ी 4:40 को शाम में यहाँ पे पहुंचती है। गाड़ी यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेती है, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे उरई में लगाई जाती है और कानपुर सेंट्रल से उरई के बीच की जो दूरी है वो 106 किलोमीटर की है। गाड़ी 1:30 में तय करती है। जब ये ट्रेन उरई से रवाना की जाती है तो इसका 8 नंबर स्टेशन आता है वीर लक्ष्मी बाई जंक्शन। गाड़ी यहाँ पे शाम को 6:45 पे पहुंचती है और गाड़ी यहाँ पे 8 मिनट के लिए ठहराव लेती है, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे लगाई जाती है ये ट्रेन वीर लक्ष्मी बाई में। वीर लक्ष्मी बाई के बाद इस ट्रेन का दोस्तों अगला स्टेशन दिया जाता है भोपाल जंक्शन।
और इस ट्रेन का वीर लक्ष्मी बाई लास्ट स्टॉप होता है उत्तर प्रदेश में, जो कि 8 स्टॉप दिए जाते हैं इस गाड़ी के उत्तर प्रदेश में। गाड़ी भोपाल में जब पहुंचती है तो वीर लक्ष्मी बाई से भोपाल के बीच की दूरी 291 किलोमीटर के है और गाड़ी ये 4 घंटा 4 मिनट में तय करती है। गाड़ी भोपाल में पहुंचती है 10:57 रात में और यहाँ पे ये ट्रेन 8 मिनट ठहराव लेने के बाद रवाना की जाती है तो पहुंचती है इटारसी जंक्शन। 12:40 को गाड़ी इटारसी जंक्शन में पहुंचती है और यहां पे ये ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है, प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे लगाई जाती है और यहां से इस ट्रेन को दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है और इटारसी तक ये ट्रेन 945 किलोमीटर की दूरी तय कर। जब ये ट्रेन इटारसी से रवाना होती है तो पहुंचती है भुसावल जंक्शन। गाड़ी 5 बजे भुसावल में पहुंचती है और 5:05 को यहां से रवाना की जाती है। इटारसी और भुसावल के बीच की दूरी 306 किलोमीटर की है और ये ट्रेन 4 घंटा 15 मिनट कंटिन्यू रनिंग करने के बाद भुसावल जंक्शन में पहुंचती है। भुसावल से जब ये ट्रेन रवाना की जाती है तो इसका अगला स्टेशन आता है 12 नंबर इगतपुरी। गाड़ी 9 बजे पहुंचती है और 9:03 को यहाँ से रवाना होती है और इगतपुरी से भुसावल के बीच की दूरी 307 किलोमीटर की है और गाड़ी 3 घंटा 55 मिनट में तय करती। जब ट्रेन इगतपुरी से रवाना की जाती है तो इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों कल्याण। 10:57 पे ट्रेन पहुंचती है कल्याण में। कल्याण में ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे लगाई जाती है और इगतपुरी से कल्याण के बीच की दूरी 81 किलोमीटर की है। ट्रेन 1 घंटा 54 मिनट में तय करती है। जब ये ट्रेन दोस्तों कल्याण से रवाना की जाती है तो इसके बीच में थाना दादर स्टॉप नहीं दिए जाते हैं। ये ट्रेन डायरेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे रुकती है और कल्याण में काफी मात्रा में इस ट्रेन से यात्री उतर जाते हैं। गाड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 12:20 पे पहुंचती है और इस तरह से ये ट्रेन 1693 किलोमीटर की दूरी 27 घंटा 50 मिनट में तय करती है। तो दोस्तों जिस तरह हमने आपको ट्रेन संख्या 12597 गोरखपुर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अंत्योदय एक्सप्रेस के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया है, अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।